हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि आज हमारे भारतवर्ष को जकड़ रही है, और वो है ड्रग एडिक्शन। ये ड्रग एडिक्शन आज हमारे देश में इट इज़ कमिंग एज अ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी, अ बिग कॉन्स्पिरेसी। लेकिन ऐसा भला क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज पूरी दुनिया में अगर लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला देश है हमारा भारतवर्ष। सो इसीलिए उसके इस पोटेंशियल को डिफ्यूज़ करने की एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो आज हमारे भारतवर्ष में ड्रग एडिक्शन इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन भला ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम चाहते हैं भारत को कमज़ोर करना तो बहुत ज़रूरी है उसकी आर्मी को कमज़ोर करना, और आर्मी में ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं पंजाब से और हरियाणा से। इसीलिए हम देखते हैं कि इन एरिया में जो यूथ हैं दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, देयर इज़ रैम्पेंट सप्लाई। और विशेष रूप से ये हरियाणा पंजाब पे इसलिए फोकस है क्योंकि यहाँ की यूथ आर्मी ज्वाइन करते हैं। अगर यहाँ की यूथ को अगर हम ड्रग एडिक्ट बना देंगे तो ये लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ये लोग आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारी आर्मी अपने आप वीक पड़ती चली जाएगी। इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली। और साथ ही पंजाब हरियाणा जो है इट्स लाइक अ गेटवे टू एंटायर इंडिया, तो इसीलिए यहाँ सप्लाई करेंगे तो उसके बाद से सारे देश में सप्लाई करना आसान है। हालांकि इसके ऊपर एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, लेकिन आज जिस तरह से ये ड्रग एडिक्शन फैल रही है हरियाणा और पंजाब के थ्रू, आज यूपी हो, मध्य प्रदेश हो और साउथ इंडिया की ओर जाते हुए किस प्रकार से ये फैल रही है, तो उड़ता इंडिया करके भी अगर भविष्य में मूवी बन जाए तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। साथ ही हमारे देश की जो इंटेलिजेंसिया है वो वीक होती है, क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद व्यक्ति मेंटली बहुत डल हो जाता है, और ऐसे लोग जो कि मेंटली बहुत डल हो जाते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करने के लायक रहते ही नहीं है। सो इवन प्रोफेशनली पीपल बिकम वीक, तो इसलिए प्रोफेशनली वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और उसका नुकसान क्या होगा? अगर इंटेलिजेंसिया वीक होगी तो इंडिया के अंदर जॉब्स नहीं आएंगी। इंडिया में जॉब्स क्यों आती हैं? वैसे अमेरिका से क्यों आती हैं? व्हेन आई वाज वर्किंग इन यूएसए न्यू जर्सी में, तो वहाँ मैंने पूछा कुछ लोगों से कि ऐसा क्यों है कि यूएसए की जॉब्स यहाँ इंडिया में आती हैं। तो पहला तो कारण है कि यहाँ पर इकोनॉमिकल है सब कुछ, 8 गुना कम सैलरी पर सेम काम हो जाता है, बहुत बड़ा कारण है। सेकेंड कारण क्या है? 70% ऑफ द अमेरिकन यूथ दे आर ड्रग एडिक्ट्स, 70%। अब 70% यूथ अगर ड्रग एडिक्ट है तो भला वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाएगा? वो दे कांट टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसीलिए यही जॉब्स फिर आती हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया में लोग इंटेलिजेंट हैं और सूझबूझ के साथ साथ वो एफिशिएंट भी हैं, और साथ ही इकोनॉमिकल भी है, सारा काम इकोनॉमिकली हो जाता है। लेकिन अगर हमारे देश का यूथ भी अगर उसकी इंटेलिजेंसिया वीक हो जाएगी तो ये जॉब्स जो कि भारत में आ रही हैं ये फिर भारत में नहीं आएंगी, ये फिर कहीं और जाएंगी, तो हमारा इंटेलिजेंसिया भी वीक होता है। और साथ ही हमारे देश के पड़ोस में रहने वाले कुछ ऐसे देश हैं जो कि हमारे भारतवर्ष को अपना सगा नहीं मानते, आप जानते हैं मैं किन देशों की बात कर रहा हूँ। सो इसलिए ऐसे देशों से प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के अगेंस्ट कि यहाँ की यूथ को कमज़ोर बनाया जा सके, ताकि यहाँ के लोग आर्मी ज्वाइन ना करें, यहाँ के लोगों का इंटेलिजेंसिया वीक हो जाए, यहाँ के यूथ को वीक कर दो। तो इसीलिए वहाँ से ड्रग्स सप्लाई होती है भारत के अंदर, और फिर भारत के अंदर जो ड्रग्स आती है इससे वो पैसा भी कमाते हैं। ओके, तो ऐसे देश पैसा भी कमा रहे हैं, हमारे देश का यूथ वीक भी हो रहा है। तो बोला जाए तो हमारे देश के दुश्मन जैसे देश हैं जो कि भारत की संस्कृति को एनकरेज नहीं करते बल्कि कहीं ना कहीं उसको अपना शत्रु मानते हैं, ऐसे लोगों की 5 उंगलियां घी के अंदर हैं। तो इसीलिए वो एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर हमारे देश में रेगुलरली ड्रग्स सप्लाई करते हैं बाय वेरियस मींस। सो दैट मीन्स वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस। अब बताए ड्रग्स फैलती किस तरह से? ये ड्रग्स फैलती है दोस्ती यारी में। अरे यार एक बार ट्राई करके देख, कुछ नहीं होता यार, ट्राई करके देख यार, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, करते करते क्या होता है, व्यक्ति को लत लग जाती है ड्रग्स की। कई ऐसी कैंटीन्स हैं, ढाबे हैं जो कि अक्सर कॉलेजेस के बाहर होते हैं जहाँ पर कि बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हल्की सी डोज खाने मिला दी है ड्रग्स की, उसके बाद क्या होता है उसका चस्का लग जाता है, तो बार बार वो बच्चा वहाँ पर आता है और वो कैंटीन वाले से ढाबे वाले से कहता है भैया मुझे और दे दो, भैया कुछ और कर दो और कर दो, और फाइनली धीरे धीरे करते करते फिर वो डगेट हो जाता है और फिर उससे पैसा भी कमाते हैं ये। इन दिस वे कैंटीन वालाज, ढाबा वालाज, इवन गोलगप्पे वालाज, गोलगप्पे के अंदर हल्की सी ड्रग्स, हल्की सी डोज, उसके बाद व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। मैनी ऑफ द डी एडिक्शन सेंटर्स जो कि नकली डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर आएंगे कौन, यहाँ पर वही बच्चे आएंगे जिनको कि ड्रग्स की एडिक्शन है, तो दैट मीन्स आर गुड कस्टमर्स। तो इसीलिए ड्रग एडिक्शन सेंटर्स भी कहीं ऐसे हैं, कुछ असली भी हैं नो डाउट, लेकिन कहीं ऐसे नकली ड्रग एडिक्शन सेंटर्स भी हैं जहाँ पर कि ड्रग्स सप्लाई की जाती है। आप ड्रग्स दूर करने के लिए आए हैं सर, यहाँ आपको मिल जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ दवाई आपको देंगे ना, चिंता करने वाली बात नहीं, अंदर ही अंदर वो आपको हेल्प भी करेगी, सप्लाई भी देंगे आपको।
डी एडिक्शन सेंटर्स यहाँ सप्लाइंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इट इज सच अ ग्रेव प्रॉब्लम विच आवर नेशन इज करंटली फेसिंग। कई सारे ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, वहाँ पर लोग देख ही रहे होते हैं कौन जो है कस्टमर बन सकता है। हाँ, इसकी हरकतें लग रही हैं। हाँ, एंड देन दे अप्रोच ऑल्सो, यू वॉन्ट समथिंग स्पेशल। और इस प्रकार से हमारे यूथ को खराब कर रही है ये एडिक्शन, ये ड्रग एडिक्शन। हमारे देश के अंदर आज जितने यूथ हैं जो कि ड्रग से एडिक्टेड हैं, इसमें 93% ऐसे हैं जो कि मेल हैं एंड 7% दे आर फीमेल। यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो सूझबूझ का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए वो इतना ड्रग एडिक्शन में नहीं है जितने कि लड़के हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेलिकेट सेक्शन है वो है 11 साल से 19 साल का, इसमें आते हैं 49% यूथ। 49% ऐसे जो कि ड्रग एडिक्ट हैं उनमें 11 से 19 साल के हैं। 20 से 30 साल वाले 26% हैं और बाकी जो आते हैं फिर वो 30 साल से ऊपर वाले। लेकिन 35 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते यूथ पूरी तरह से भूत बन जाता है, वो पंचर हो जाता है एक्चुअली। सो दैट इज इट्स वेरी डेंजरस स्टैटिस्टिक्स। और पहले ऐसा था कि जो इलिटरेट सेक्शन है या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर ड्रग्स ज़्यादा थी, 69%। लेकिन अब ये अर्बन एरियाज में भी आ रही है, शहरों में भी आ रही है। सो दैट इज इट इज़ सच अ ग्रेट थ्रेट। तो भला इससे डील कैसे किया जाए? इसे डील करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि गवर्नमेंट को जो सर्वेलेंस है अपनी, यानी कि हमारे देश में क्या चीज़ आ रही है जा रही है, उसको थोड़ा टाइट और करना पड़ेगा। नो डाउट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन शायद इसकी स्क्रूटनी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। स्कूल और कॉलेज के लेवल पे भी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी साथ ही हम लोगों को, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि इट्स एक्चुअली प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। ये आपके प्लेजर के लिए नहीं है, ये बल्कि आपको बर्बाद कर देने के लिए है। ये अवेयरनेस को क्रिएट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट फोरमोस्ट, जितने स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनको स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स को एनकरेज करना चाहिए। और इसकी केस स्टडी है हमारे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी 1960s में जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर हिपीज जो कि LSD, मैरिजुआना, हेरोइन और आजकल और भी नए नए ड्रग्स आ चुकी हैं, उस वक्त इन सारी ड्रग्स को लिया करते थे। देवर ड्रग एडिक्ट्स, हाईली अनप्रोडक्टिव, लेजी, क्रेजी, इतना बुरे हाल वाले लोग। ऐसे हिप्पीज के बीच में जा करके श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया और साथ ही अपने हाथ से कुक करके उनको प्रसाद खिलाया करते थे। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उस वक्त ऐसे हिप्पीज जो कि हैप्पीज बने और वैष्णव बने, भक्त बने भगवान श्री कृष्ण के, और फिर बाद में जाकर के स्पिरिचुअल लीडर्स इवॉल्व हुए। ये तो केस स्टडी है हमारे पास कि अगर कोई चाहता है वाकई में अपने आप को सेव करना फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन, स्पिरिचुअल कल्चर को हमें एनकरेज करना चाहिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज को एनकरेज करना चाहिए। और आज भी इस्कॉन यूथ फोरम अलग अलग कॉलेजेस में जाता है, वहाँ पर ड्रामास ऑर्गेनाइज करता है और साथ ही कोर्सेज डिज़ाइन कर रहा है ताकि बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस हो और बच्चों को हायर टेस्ट मिलेगा जब स्पिरिचुअलिटी का, तो ड्रग्स का जो लोअर टेस्ट है वो निकल जाएगा। बाई हायर टेस्ट वी कैन कॉन्कर द लोअर टेस्ट, बाई हायर टेस्ट वी कैन कॉन्कर द लोअर टेस्ट। तो इस बात को हमें समझना है, बाय द कल्चर ऑफ डिवोशन, बाय द कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बाय द कल्चर ऑफ भक्ति, ऑल दीज एडिक्शंस कैन बी कॉन्कर्ड एक्चुअली। सो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में उनकी अथॉरिटी से प्लीज ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम्स। वी आर रेडी टू ऑफर सच प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर यूथ, क्योंकि हमारे देश का यूथ है ये हमारा भविष्य है। ना सिर्फ भविष्य है बल्कि भविष्य की अगर लीडरशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे इंडियन यूथ, भारतीय यूथ की बहुत अधिक आवश्यक है। इसका भविष्य को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एनकरेज स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स और इस प्रकार से हमारे देश को बचाइए, नहीं हमारे देश का भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। हरे कृष्णा।